तो यू आर सरप्राइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट चैलेंज, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है एंड सब कोई यूज़ कर रहे हैं, मतलब सब लोग कोई वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर। तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी एक वीडियो बना ही दें इसके ऊपर। सो या इस वाली वीडियो में हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट। वैसे ये 100 डेज नहीं होने वाला, ये 50 डेज होने वाला है, क्योंकि इसका पार्ट वन है, पार्ट टू आएगा। तो आप लाइक मार दीजिएगा एंड पार्ट टू के लिए आ रहा हो जल्द, अगले संडे को आ जा रहा हो। ओके, सो हम डाल देंगे उसका वीडियो। तो यार इस वीडियो को एंजॉय कर लो प्रॉपरली। तो यार मैंने पहला दिन मैंने अपना गेम स्टार्ट किया एंड उसमें मैंने सबसे पहले अपना वर्ल्ड बनाया एंड वर्ल्ड का नाम मैंने रखा इट्स टाइम टू सर्वाइव। मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। ओके, सो यार मुझे मैं एक पेड़ के ऊपर स्पॉन हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वुड लिया एंड मुझे एक चिकन मिली तो मैंने उसको मार डाला। फिर मैंने और थोड़ा सा वुड लिया एंड मुझे फिर एक केव मिली। तो यार मैंने फटा से एक टॉपिंग टेबल बनाया एंड एक वुडन पिकेस बनाया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा और स्टोन मिला, तो यार मैंने सारा स्टोन ले लिया और उसके बाद मेरा फाइनली मेरा पिकेस टूट गया। उसके बाद मैंने एक स्टोन पिकेस बनाया एंड थोड़ा सा कोल लिया। कोल लेने के बाद भाई मैंने एक स्टोन एस बनाया एंड थोड़ा सा और वुड लिया। उसके बाद मैंने मुझे थोड़ा सा पम्पकिन मिला था तो मैंने उसको भी ले लिया एंड मुझे सडनली थोड़ा सा एक दो सिप मिल गई। तो दो से काम चलने वाला नहीं था बट मैंने तब पर भी उसको मार डाला एंड मैं थोड़ा सा भूखा हो रहा था, मेरा हेल्थ बार बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था, इसलिए मैं एक फर्नेस बनाया। मैंने थोड़ा सा फर्नेस बनाया एंड उसमें मैंने अपना खाना दे दिया। उस वक्त फिर मुझे अचानक मुझे पीछे में दो सिप मिली, तो उसको भी मैंने मारा एंड बेड बनाया। एंड रात हो रही तो इसीलिए मैं सो गया। उसके बाद फिर मुझे एक केव चाहिए था, मैं ऐसे ही घूम रहा था खाना की तरह में, तो मुझे एक केव चाहिए था बट हमको एक पूरा विलेज मिल गया एंड सबकी तरह मैंने भी विलेज तो बहुत ही बहरमी से लूटा। ओके, जो सब करते हैं भाई। सो मैंने लूटने के बाद मुझे बहुत सारा वुड मिला एंड बहुत ज़्यादा वीट मिला एंड डे टू इसी तरह मेरा एंड हो चुका। उसके बाद मुझे थोड़ा सा पूरा विलेज लूटने के बाद मुझे थोड़ा सा आयरन चाहिए था, इसीलिए मैंने आयरन गोलम को मार डाला और मैंने लास्ट में उसको एक पॉपी दे दिया। उसका जो हमको वे फ्लावर देता उसी को मैंने उसको दे दिया, पॉपी दे दिया। ओके दैट्स ऑल। एंड उसके बाद मुझे एक वाटर बकेट चाहिए था, क्योंकि आप जानते हो वाटर बकेट से हम LMG कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वाटर बकेट बनाया एंड उस वाटर बकेट को मैंने फिल किया। उसके बाद मुझे एक अनदर केव मिली, दूसरी केव मिली, तो मैं उसमें गया और थोड़ा सा कोल लेने दिया। बट मुझे एक ज़ॉम्बी मिला जो मुझे मारने का कोशिश कर रहा था, तो भाई मैंने उसको भी बहुत ही बहरावी से मार डाला एंड इसीलिए मैंने सोचा कि भाई एक शील्ड बनाने का आइडिया है एंड मैंने उसके बाद एक शील्ड बनाया। ओके, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा टॉर्चेज बनाए एंड और थोड़ा ज़्यादा मैंने कोल लिया। उसके बाद मुझे एक स्पाइडर एंड एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया बट मैंने उसको भी मार डाला। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही 8 बचा था भाई, मरते मरते बचे हम, बट कोई ना। उसके बाद मैंने पूरा एरिया को लाइट कर दिया ताकि उसमें फिर से ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए। फिर मुझे थोड़े से आयरन मिले बट वे 8 था, बट कोई ना, क्या कर सकते हैं। ओके, फिर मुझे स्केलेटन मिला फुल आयरन आर्मर, फुल गोल्डन आर्मर के साथ। पता नहीं भाई कितना अमीर था, कहाँ से आया था, शायद माइनक्राफ्ट वालों ने ही जानबूझ के इसको भेजा होगा मुझे मारने के लिए। बट मैंने भी उसको मारा बट उसने कुछ दिया तो नहीं, बट मुझे सिर्फ जो गोल्ड चेस्ट प्लेट दिया वह भी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ लो के साथ, बट कोई ना। एंड फिर मैं डे 5 में मैं फिर से लिया केव में एंड मैं थोड़ा सा आयरन लिया। मैं जैसे ही आयरन ले रहा था उस समय मेरे को एक पूरा ज़ॉम्बी का गैंग ने मुझे मारने के लिए आ रहा था, बट मेरा एक आयरन मेरा जो स्टोन एस था वह टूट गया था, इसलिए मैं डर के मारे बाहर आ गया क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और मैंने एक फर्नेस बनाया और जो भी मेरा आयरन था उसको मैंने स्मेल्ट करने के लिए दे दिया, बट ज़ॉम्बी बाहर आ गए हैं और वे से धूप के कारण मर गए। तो एंड उसके बाद मैंने एक आयरन एस बनाई
उसके बाद मैंने फिर से गया केव में एंड थोड़ा सा और आयरन लिया, बट ज़ॉम्बी फिर से आया एंड उसको भी मैंने मार दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर भाई मेरे साथ कोई गलत ही स्टैम हो गया। तो मैंने जैसे यहाँ पर से आयरन लिया तो यार मैंने अच्छा हुआ कि मैंने नीचे में टॉर्च दिया था और ऊपर में पूरा ग्रेवल था, तो यार सारा ग्रेवल मेरे ऊपर ही गिर गया, तो यार बहुत ही बड़ा स्टैम हो गया। बट थैंक यू टू टॉर्च भैया जिन्होंने मुझे बचा लिया इस ग्रेवल से, नहीं तो भाई मैं आज मर जाता ऑलमोस्ट। उस बार रात हो रही थी तो भाई मैं जैसे ही बाहर दिया तो भाई रात हो रही थी इसलिए मैं सो गया। एंड डे सेवन में मैंने सोचा कि एक घर बनाया जाए, बट इसीलिए मैंने एक एरिया ढूंढा और ये वाले एरिया हमको ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने एरिया पूरा क्लीन कर दिया। एंड क्लीन करने के लिए मुझे एक आयरन सवल चाहिए था, तो इसलिए मैंने सवल बनाया एंड पूरा क्लीन कर दिया लैंड को, तो अच्छे से प्लेन कर दिया। एंड फिर मुझे एक मेरा क्रिएटिव माइंड में एक अलग ही आइडिया आया जिसमें हम एक वुड और ग्लास से घर बनाने वाले थे, इसलिए मैं थोड़ा सा फर्नेस बनाया बहुत सारा। एंड मुझे अब चाहिए था ग्लास, तो ग्लास के लिए आप जानते ही हो कि ग्लास के लिए हमको सैंड चाहिए, एंड इसलिए मैं सैंड ढूंढा। डे एट में गया मैं सैंड लेने, तो सैंड मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया, तो मैं सारा सैंड तो ले लिया। एंड सारा सैंड तो लेने के बाद मेरा ऑलमोस्ट 2 स्टैक्स से पार हो गया था, 2 स्टैक्स से भी ज़्यादा था, तो मैंने उसको लिया और मैंने ग्लास बनाने के लिए डाल दिया। एंड डे नाइन से डे 13 तक मैंने अपना घर बनाया। एंड उसके बाद मैंने डे 14 में एक अपना छोटा सा फार्म बनाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे माइंड करना चाहिए, तो माइंड करने के लिए मैंने अपने घर के ही नीचे में एक सुरंग बनाया जिससे हम को बाहर जाना ना पड़े, हम घर के अंदर से ही अपना माइनिंग करने चले जाएँ। तो यार मैंने इट्स इन द अंडरग्राउंड बनाया, तो यार अंडरग्राउंड जाने के लिए मुझे थोड़ा लैडर बनाना होता है, तो इसीलिए हमको मैंने लैडर बनाया और मैं नीचे चलते गया। बट मुझे डर था क्योंकि भाई मैं एकदम सीधा डिप डाउन कर रहा था, तो यार नीचे लावा भी हो सकता है और सब कुछ मैं गल भी सकता है, इसलिए थोड़ा तो मैं डर लग रहा था। बट कोई ना, मैं फिर मैं जैसे ही ऊपर उठा तो भाई वह रात हो रही थी इसीलिए मैं सो गया। एंड इसी तरह मेरा हो गया गुड निन्नी। तो फिर मुझे जैसे मैं नीचे जाते रहा तो मुझे एक केव मिला, तो यार केव में जैसे मैं गया तो फिर पूरा मैंने लाइट कर दिया, मैंने पूरा हर जगह टॉर्च दे दिया। एंड मुझे वहाँ पर थोड़ा सा एक नया ब्लॉक मिला, तो जिसका नाम था कॉब्ड डीप स्टोन शायद यही था। ओके तो यार उसको मैंने लिया। ओके तो डे 17 में भी मैं केव के अंदर ही था, तो उस पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा टोल लिया एंड मैं ऊपर आया। एंड मैंने जो भी मेरा आयरन था उसको मैंने इधानी ले रख दिया। उस पर मैं डे 18 में मेरा वीट तैयार था, तो यार उसके बाद मैंने वीट को फिर से सेलेक्ट किया और लड़ा दिया। डे 19 से डे 25 तक मैं केव के अंदर ही था एंड केव में हम डायमंड की तलाश में हम ढूंढे जा रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि भाई डायमंड मिलेगा, बट तब पर भी हमको मिला, 7 डायमंड्स मिले जो कि सही था। उसके बाद मैं ऊपर आया एंड मैंने एक डायमंड का एस बनाया एंड एक डायमंड का पिकैक्स बनाया एंड एक डायमंड का पिकैक्स बनाया। उसके बाद मैंने लावा में पानी डालते मैंने ऑब्सीडियन लिया, मैंने एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑब्सीडियन लिया। एंड फिर मैं ऊपर जाके सो गया। उसके बाद मैंने एक रूम बनाया मेरे घर और मेरा केव के बीच में जिसमें मैं अपना नेदर पोर्टल बनाऊं। तो यार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और मेरा पूरा 26 ऐसे बर्बाद चला गया। उस पर मैंने डे 27 में मैंने अपना नेदर पोर्टल बनाया सक्सेसफुली एंड उसको मैं ऊपर गया एंड मैंने फ्लिंट एंड स्टील बनाया और उसके बाद एक्टिवेट कर। अब मेरा जो नेदर पोर्टल था उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा मुझे सजाना था, बट ये वाली वीडियो में हम नहीं सजाएंगे, हम सजाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और भी कुछ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं पार्ट 2 में। ओके सो उसके बाद मैंने डे 28 से डे 30 तक मैंने नीचे केव को पूरा एक्सप्लोर किया एंड पूरा वहाँ पर ढूंढा। तो मुझे वहाँ पर मिला थोड़ा सा गोल्ड और जो मुझे हेल्प कर सकते थे, क्योंकि मैं उससे आर्मर बना सकता था एंड फिर नेदर में जाते थोड़ा ट्रेड भी कर सकते थे। मुझे थोड़ा सा स्लाइम मिला तो उसको भी मैंने बहुत ही बेरहमी से मार डाला
एंड थोड़ा सा लैपिस लजुली लैप क्या बोलते हैं भाई लैपिस लजुली ओके लैपिस लजुली मिला एंड एक माइंडशाफ्ट मिला जो कि बहुत ही बड़ा चीज़ था। मुझे वहाँ पर एक माइनक्राफ्ट पे चेस्ट मिला जिसमें मुझे 6 डायमंड मिला जो कि सही था एंड थोड़ा सा और आयरन मिला। फिर वे रात हो रही थी, मैं ऊपर आया और मैं सो गया। उस वक्त मैंने अपना सारा गोल्ड को पिघलने के लिए छोड़ मैं स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया एंड मेरे पास 15 डायमंड था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे आर्मर बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं गया और मैं एक हेलमेट बनाया और एक चेस्ट प्लेट बनाया, वह भी डायमंड था, बट मेरे पास लेजेंस और बूट के लिए था नहीं, तो इसीलिए मुझे और भी ज़रा चाहिए था। और उसके बाद मैंने एक आर्मर स्टैंड बनाया एंड आर्मर स्टैंड में मैंने अपना डायमंड का आर्मर को रख दिया और उसके बाद मैंने इसको एक अच्छा सा पोज दिया। उसके बाद मेरे पास अभी भी 2 डायमंड था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे एक इंचेंटिंग टेबल बनाया जाए। तो इसीलिए मैं फिर से टेप में गया और थोड़ा सा ऑब्सिडियन माइन किया, बट ऑब्सिडियन माइन करते करते हम गलती से लावा में घुस गए एंड बहुत ही बुरी तरह से मेरी मौत हो गई। बट मैं जैसे ही वापस गया तो यार मेरे जो डायमंड की चेस्ट थी वो ऊपर में थी और मैं थोड़ा मोड़ा सामान ऊपर में था, बट मैं बहुत सारा सामान उसमें घुस गया था। सो सैड लाइफ, बट क्या ही कर सकते हैं। तो यार अच्छा हुआ कि मेरा डायमंड की चेस्ट नहीं टूटा, नहीं तो वह बहुत बड़ा वाला स्टैम हो जाता, डूब जाता। मुझे एक इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हॉर्स को मारना पड़ा, क्योंकि मैं ड्राई माता तो नहीं मार सकता, मैं असली हिंदुस्तानी हूँ। ओके, वो मेरा बहुत सारा समय इसी में बर्बाद चला गया हॉर्स को मारने में। तो यार मैंने बहुत ही ज़्यादा हॉर्स मारा था, जैसा मुझे लेदर मिला एंड क्योंकि भाई मुझे बूट सेल बनाना था, तो बूट सेल बनाने के लिए फिर डे 35 में मैंने बूट सेल बनाया एंड उसको मैंने अपना इंचेंटिंग टेबल बनाया और उसको मैंने नेदर के पास, नेदर जहाँ पर मैंने बनाया था वहीं पर रख दिया एंड वे अभी ऐसा दिखता है अच्छा सा। उसके बाद मैंने अपना एस्ट्रो एफिशिएंसी 2 मिल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है ले लेते हैं। बट फिर उसके बाद मैंने अपने डायमंड में अनब्रेकिंग 1 मिली, तो मैंने उसको डाल दिया। तो भाई वैसे कुछ ज़्यादा नहीं अच्छा मिला, बट पता नहीं क्यों, तो इसीलिए मैंने अनब्रेकिंग 1 सोचा कि अच्छा है ठीक है, इसीलिए मैंने अनब्रेकिंग 1 डाल दिया। ओके, सो उसके बाद मैंने अपना सूट को इंचेंट नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा चिंदी इंचेंटिंग दे रहा था। डे 35 से 40 तक मैंने फिर से डायमंड की तलाश में मैं गया केव में, बट मुझे कोई भी डायमंड नहीं मिला। बट मिला तो क्या, 3 जॉम्बी जो मुझे मारने की कोशिश मार रहे थे, बट उनके पास नहीं पता था कि भाई मैं भी एक माइनक्राफ्ट का न्यू प्लेयर हूँ। ओके, तो मैंने भी उसको मार डाला, बट या मेरा पूरा 3 हेल्थ हो गया, बहुत ही ज़रा उन्होंने भी डैमेज दिया था। उसके बाद मैं ऊपर गया एंड मेरे पास कोई खाना नहीं था, इसलिए मैं खाना खाने गया, बट रात हो रही थी इसलिए मैं सो गया फर्स्ट। सोने के बाद मैं सुबह उठा एंड सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा ब्रेड खाया। उसके बाद फिर से मैं अपना डायमंड की तलाश में नीचे गया एंड मुझे फिर से कुछ थोड़े से डायमंड मिले एंड थोड़ा और गोल्ड मिला। उसके बाद फिर मैंने अपना फाइनली मैंने पूरा अपना डायमंड सेट बनाया, एक लेजेंस और एक बूट जो थी, अब मेरा पूरा एकदम फुल हो चुका था। डे 45 से 50 तक मैंने एमरल्ड ट्रेड किया, क्योंकि मेरा सूरल टेन भी थोड़ा सा बढ़ गया था एंड उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से सूरल टेन उठाया फिर से मैंने किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद मुझे मिला थोड़ा सा मेंडेन का बूट, तो एक मेंडेन वाला भी मिला था, तो इसलिए मैंने उससे बहुत ही सारा मेंडेन ले लिया, क्योंकि मुझे अपना पूरा डायमंड सेट में डालना था, उसको अपने सारे डायमंड के औजार में हमको डालना था मेंडेन, इसलिए मैंने एक मेंडेन बनाया। उसके बाद मैंने एक एनविल बनाया एंड अपना जो डायमंड एस था उसमें मैंने अनब्रेकिंग 3 डाला एंड शार्पनेस 5 डाला एंड मुझे पीटीएस में एफिशिएंसी 4 मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ले लें। तो यार एफिशिएंसी 4 लगाया एंड अनब्रेकिंग 3 ला दिया, तो यार जो फॉर्च्यून जो मेरा ट्रेडर था वह फॉर्च्यून 3 नहीं दे रहा था, तो वह मुझे फॉर्च्यून 2 दे रहा था, इसलिए मैंने 2 बुट ले लिया फॉर्च्यून 2 का और उसके बाद मैंने दोनों फॉर्च्यून 2 को मैंने डाल दिया और उससे मेरा फॉर्च्यून 3 बन गया। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, अगर आपको भी फॉर्च्यून 3 नहीं मिल रहा है तो आप फॉर्च्यून 2 को भी मर्ज करने के बाद आपका बन जाएगा फॉर्च्यून 3। तो उसके बाद मेरा जो मैं उसके बाद मैं एसपी ख़त्म हो गया। सो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ये सब बाद में करेंगे, ये वाला हम अगला एपिसोड में करेंगे। सो उसके बाद मैंने एक ऊपर में और एक रूम बनाया,
इन 50 दिन जब मैंने यही सब किया एंड अब मैं बता देता हूँ कि मैंने 50 दिन तक क्या किया है। रिट्वीट रिविजन, मैंने डायमंड का फुल्ली आर्मर बनाया, एक डायमंड की एस बनाई एंड एक डायमंड का पिकैक्स बनाया। मैंने अपना जो एन्चेंटिंग टेबल था उसको मैंने ऊपर में रख दिया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऊपर में ही, इसे मैंने ऊपर में रख दिया। और मैंने एक अच्छा सा घर बनाया है और मैंने एक अच्छा सा बढ़िया सा बहुत ही बढ़िया सा फार्म बनाया है। एंड दैट्स ऑल इस वीडियो में इतना ही एंड मिले नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए नहीं जाओ मत, रुको जरा सा भी। और हाँ मेरा डिस्कॉर्ड चैनल भी है तो आप जाके उसको प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लो यार, 8 भी मेम्बर नहीं यार प्लीज़, और बॉट के अलावा कोई नहीं है प्लीज़। तो राइजिंग आर्मी को अभी 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 ज्वाइन कर लो। एंड या इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया तो कर लो, वैसे भी मैं इंस्टाग्राम में इतना लाइव नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैं गरीब हूँ। सो दैट्स वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए।